हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं पेयर अकाउंट में डिपॉजिट कैसे करना है, हाउ टू डिपॉजिट इन पेयर अकाउंट। पेयर के अंदर हम लाइव यहां पर XRP को डिपॉजिट करके दिखाने वाला हूं आप लोगों को। तो आपको ये चीज़ देखना है, सीखना है, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेन करेंगे और बाइनेंस के अकाउंट से XRP यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे पेयर के अकाउंट पर। पेयर के अकाउंट पर ट्रांसफ़र करके आप कोई भी ऑनलाइन सेक्टर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी AI मार्केटिंग चल रहा है, तो उसके अंदर डिपॉजिट करने के लिए, ID टॉपअप करने के लिए पेयर का सबसे आसान तरीका है और सबसे कम फीस के अंदर यहाँ पे हो जा रहा है। बिल्कुल कम फीस में, 0.25 XRP फीस में आपका यहाँ पर काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो वही हम यहाँ पर पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाई स्टेप। तो आप पूरा एंड तक हमारे इस वीडियो को देखिएगा, पूरा आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम यहां पर XRP डिपॉजिट करेंगे बाइनेंस के ऊपर से। तो यहां पर XRP के ऊपर क्लिक किया और यहां एड मनी के ऊपर क्लिक किया और इसको हम कॉपी कर लेंगे, एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद आ जाएंगे यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर। और बाइनेंस के ऊपर अगर आपके पास XRP नहीं है, डॉलर है, तो आप उसको बाय कर लेंगे। XRP कोई भी कॉइन से बाय कर लेंगे, बिटकॉइन से या कोई भी कॉइन से आप XRP को बाय कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर 101 डॉलर है, USDT है, तो इससे हम XRP को बाय करेंगे। तो बाय कर लेंगे यहां पे मार्केट, मार्केट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा स्टैंड बाय हो जाएगा हमारा। हम इसको बाय कर लेते हैं मार्केट प्राइस के ऊपर। हमने बाय कर लिया, बाय करने के बाद हमारे पास बाय हो गया है, यहाँ पर बाय हुआ है 154 XRP, ठीक है, 154 XRP बाय हुआ है। और यहाँ पर हम पेयर के ऊपर जाएंगे। पेयर के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, कॉपी हमने कर लिया है और यहाँ से भेजेंगे, ठीक है। भेजने के लिए हम क्या करेंगे, वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और वॉलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। और विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद XRP के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे उस एड्रेस को और यहाँ पे टैग डालेंगे। टैग भी यहाँ पे मिल जाएगा, कॉपी टैग कर लेंगे और इसको भी यहाँ पर हम टैग के ऊपर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम 156 बाय हुआ था, तो एक बार हम कैलकुलेट कर लेंगे पेयर के ऊपर। हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना XRP रहेगा तो हमारा $100 बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 154 डॉलर XRP का कितना होता है, 97 ही होगा, तो इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 5-6 XRP का लॉस होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर 160 XRP हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो 160 हम यहाँ पर इंटर करेंगे अमाउंट में बाइनेंस के ऊपर आके। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, जो कि 159.75 XRP रिसीव होगा वहाँ पे। ट्रांजेक्शन फिर 0.025 केवल XRP वहाँ पे, मतलब हमारा ट्रांजेक्शन फीस कटेगा। इसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ ये कर लेंगे, OTP कोड डाल के सबमिट पर, हमने यहाँ पे सारा कुछ डाल दिया है, OTP कोड सारा कुछ, और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये हो गया, ठीक है, ये कन्फर्म रिक्वेस्ट सबमिट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। व्यू हिस्टोरी पर क्लिक करके देख लेते हैं, अभी ये पेंडिंग है, थोड़ा देर वेट करेंगे, प्रोसेसिंग में है, थोड़ा देर वेट करेंगे, 5-10 मिनट हमारा ये कन्फर्म हो जाएगा। पेयर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं बैलेंस के ऊपर क्लिक करके, अभी आया नहीं। चलिए वीडियो को रोकता हूँ मैं, थोड़ा देर वेट करता हूँ, 2-4 मिनट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा।